Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, इरिवर्सिबिलिटी. किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? इरिवर्सिबिलिटी के बारे में. इरिवर्सिबिलिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे. जैसे पहला पॉइंट होता है जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, दो तरीके की होती है. आप कह सकते हो दो तरीके की होती है, ठीक है. पहली जो एनर्जी होती है इसको हम एक दो तरीके की नहीं है, एक्चुअली दो फॉर्म में इसको डिवाइड कर सकते हैं. जो पहली है उसको हम अवेलेबल एनर्जी के नाम से कह सकते हैं और दूसरी क्या होती है, अनअवेलेबल एनर्जी. फर्स्ट वन इज अवेलेबल एनर्जी और सेकेंड वन इज अनअवेलेबल एनर्जी. सोर्स और सिंक, अगर वो हीट इंजन है, हीट इंजन में क्या होता है इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या होता है, अवेलेबल एनर्जी क्या होती है और अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है. तो हमें पता है कि हीट इंजन क्या होता है, ये कोई हीट इंजन है, यहाँ पे क्या होता है, एक सोर्स होता है और सोर्स का टेम्परेचर हम T1 मान के चल रहे हैं या फिर TH, और जो लोअर टेम्परेचर होता है इसको हम T2 से डिनोट करते हैं या फिर इसको TL से भी डिनोट करते हैं, ठीक. हीट इंजन का काम क्या है, ये वर्क को प्रोड्यूस करता है. किसको करता है, वर्क को प्रोड्यूस करता है. सबसे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि जो अवेलेबल एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी या फिर आप इसको कह सकते हो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होती है, अवेलेबिलिटी मतलब मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एनर्जी विच कुड बी कन्वर्टेड इंटू यूजफुल वर्क. इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एनर्जी विच कुड बी कन्वर्टेड इंटू यूजफुल वर्क, यानी कि जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हीट एनर्जी जो है वो जितना मैक्सिमम पोर्शन जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, अवेलेबिलिटी कहते हैं. इस चीज को आप देखो, यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या होता है, Q1 होता है. यहाँ पे जो लोअर साइड होता है वो क्या होता है, Q2 होता है. अगर इस साइकिल की बात की जाए, इस हीट इंजन की बात की जाए, तो यहाँ पे जो Q1 होता है, जो सोर्स का, जो आप कह सकते हैं सोर्स से जो हीट निकल रही है, Q1 की वैल्यू क्या होती है, वहां पे अवेलेबल एनर्जी भी होगी और अनअवेलेबल एनर्जी भी होती है. Q1 पे क्या होगा, अवेलेबल एनर्जी भी होगी और अनअवेलेबल एनर्जी भी होती है. अब डेफिनेशन एक बार देखो, आप डेफिनेशन में क्या कह रहा है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एनर्जी विच कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, वो उसको क्या कहते हैं, अवेलेबिलिटी बोलते हैं या फिर अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं. तो यूजफुल वर्क तो यही है, यूजफुल वर्क तो यही है, जो वर्क आउटपुट मिल रहा है वही तो यूजफुल वर्क होगा. तो यूजफुल वर्क ये है, इसका मतलब जो अवेलेबल एनर्जी होगी वो यूजफुल वर्क यानी कि W के बराबर हो जाएगी. बात समझ में आ रही होगी. जो स्टार्टिंग में जो Q1 होता है, जो हीट निकल रही है सोर्स से जो हीट निकलेगी वहां पे क्या होती है, अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी दोनों होती है. हीट इंजन के पास गया, वहां पे क्या मिल रहा है, हीट इंजन कुछ ना कुछ हमें वर्क आउटपुट देता है. और डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो यूजफुल वर्क होता है वही तो अवेलेबल एनर्जी होता है. इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू W प्लस अनअवेलेबल एनर्जी. Q1 इज इक्वल टू W प्लस अनअवेलेबल एनर्जी. और अनअवेलेबल एनर्जी अगर निकाली जाए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस W. तो Q1 माइनस W की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अनअवेलेबल एनर्जी होगी, ठीक. अब एक चीज बताओ, जैसे कि हमने जंक्शन वाला पॉइंट देखा था, यहाँ पे Q1 आ रहा है, यहाँ से W निकल रहा है, यहाँ से Q2 निकल रहा है, तो इस जंक्शन के अकॉर्डिंग जो एक साइड आ रहा है, मतलब जंक्शन की साइड आ रहा है उसको एक साइड लिख लेंगे और जो जंक्शन से दूर जा रहा है उसको एक साइड लिख लेंगे. तो जंक्शन की तरफ जो आ रहा है वो क्या है, Q1 आ रहा है, Q1 को एक तरफ लिख लिया. दूर क्या जा रहा है, Q2 और W जा रहा है, Q2 प्लस W. यानी कि अगर यहाँ पे हम Q1 माइनस W निकालें, Q1 माइनस W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा. और Q1 माइनस W ये क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है. क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू Q1 माइनस W इज इक्वल टू Q2. मतलब कि जो W है वो क्या है, अवेलेबल एनर्जी है. और Q2 की वैल्यू,
जो अनअवेलेबल एनर्जी है यहाँ पे Q2 हो जाएगा, अनअवेलेबल एनर्जी मतलब Q1 जो है, Q1 दोनों का मिक्सचर होता है, वहाँ पे अवेलेबल एनर्जी भी होती है अनअवेलेबल एनर्जी भी होती है. W जो है वो क्या हो जाएगा, जो वर्क आउटपुट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, वो अनअवेलेबल एनर्जी सॉरी अवेलेबल एनर्जी होगी. जो Q2 जो हीट रिजेक्ट हो रहा है वो क्या होगी, वो आपकी अनअवेलेबल एनर्जी हो जाएगी. ठीक है, अब ये बात हो गई किसकी, अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी की बात हमने कर ली है. ठीक, इसी पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. जो अनअवेलेबल एनर्जी है, अनअवेलेबल एनर्जी है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अनअवेलेबल एनर्जी की वैल्यू बताइए आप. वर्क आउटपुट सीधे सीधे पूछ लेगा, मतलब वो अवेलेबल एनर्जी पूछ रहा है. अगर अनअवेलेबल एनर्जी की बात की जाए तो इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी. क्या कहते हैं, इरिवर्सिबिलिटी. यही जो अनअवेलेबल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है. इसको अगर आप कहना चाहो किसी और नाम से, कई बार पूछ लेता है, इसको इरिवर्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी. मतलब अवेलेबल एनर्जी में जो लॉसेस है उसको हम क्या कहते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी कहते हैं. और इसी अनअवेलेबल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं. तो ये एक पॉइंट हो गया. तो इरिवर्सिबिलिटी को अगर डिनोट किया जाए तो इरिवर्सिबिलिटी मतलब होता है, इरिवर्सिबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट टेम्परेचर. इसको आप यहाँ पे लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट टेम्परेचर वेयर हीट इज रिजेक्टेड एंड चेंज इन एंट्रोपी. मतलब कि जो इरिवर्सिबिलिटी है प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर आपका T2 है, यानी कि जो नीचे का जो टेम्परेचर होगा T लोअर टेम्परेचर होगा वो होगा. तो अगर आप ये क्या हो जाएगा T2 into ये क्या हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी. ये क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी की वैल्यू होती है. इरिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 into डेल्टा S, ये चीज एक हो जाएगी. ठीक, तो क्या होता है इरिवर्सिबिलिटी के बारे में अगर पूछा जाएगा यहाँ पे, या लॉस इन अवेलेबल एनर्जी पूछा जाए या फिर अनअवेलेबल एनर्जी पूछा जाए, तो यहाँ पे तीनों का मतलब सेम होता है. और इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, लोअर टेम्परेचर इंटू चेंज इन एंट्रोपी. क्या होती है वैल्यू, लोअर टेम्परेचर इंटू चेंज इन एंट्रोपी. तो ये एक हमने दूसरा पॉइंट देख लिया कि किस तरीके से हम निकालते हैं. ठीक है, एक और चीज हम देखेंगे. कई बार क्या होता है क्वेश्चन पे, जैसे कि एक अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, एक इंजन लगाया हुआ है, एक इंजन है, एक हीट इंजन है, लोअर और हायर टेम्परेचर पे काम कर रहा है. अगर हम अज्यूम करें कि कोई ये सोर्स का टेम्परेचर है T1, ये एक इंजन है, इस तरीके से क्या है ये T2 टेम्परेचर है, ये इंजन 1 है. अगर इस सिंक के टेम्परेचर, इस सिंक को हम क्या करें, दूसरे एक हीट इंजन से जोड़ दें, और इस दूसरे हीट इंजन का जो लोअर टेम्परेचर है वो क्या है, T3 है. ध्यान से सुनिएगा, पहली जो साइकिल हो गई वो T1 और T2 के बीच में है. पहली साइकिल किसके बीच में है, T1 और T2 के बीच में है. और जो दूसरा इंजन हमने कनेक्ट किया है वो क्या है, T2 और T3 के बीच में है. कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो पहला इंजन है उसकी एफिशिएंसी जो है 1 है, और दूसरा जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या है, 2 है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी. तो ओवरऑल एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी 1 प्लस एफिशिएंसी 2 माइनस एफिशिएंसी 1 इंटू एफिशिएंसी ऑफ 2. ये क्या होता है, ये ओवरऑल एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है. ठीक, जब दो हीट इंजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, T3 टेम्परेचर होता है, और उसके बाद क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, 1 + 2 - 1 × 2 ये करेंगे. अब एक केस और सामने आता है कि जैसे अगर बोल दे कि
कोई एक ऐसी साइकिल है, मतलब दो हीट इंजन को इन्होंने कनेक्ट किया है. क्या क्या है इन्होंने? दो हीट इंजन को कनेक्ट किया है. तो अगर यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी वन है, पहले इंजन की एफिशिएंसी वन है, ठीक है, दूसरे की टू है, अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो आप एक बार बताओ वहां पे T1, T2, T3 में रिलेशन क्या आएगा. इस बार इसको ध्यान से देखिएगा. एक बार क्या है कि एफिशिएंसी वन इज इक्वल टू एफिशिएंसी टू, मतलब व्हेन एफिशिएंसी इज सेम. एफिशिएंसी क्या है? सेम है. तो वन इज इक्वल टू टू. तो एक बात बताओ, एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है? हम सबको पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, यही तो होता है. या फिर इसको अगर टी के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाई टी वन. ये फर्स्ट इंजन के लिए, ठीक, फर्स्ट इंजन के लिए. तो फर्स्ट इंजन के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाई टी वन. ठीक, यहाँ पे क्यू एस हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड कहाँ से हो रही है? टी वन टेम्परेचर से हो रही है, इसलिए टी वन लिख रहे हैं. सेकेंड इंजन की अगर बात की जाए तो सेकेंड इंजन के लिए हीट सप्लाई कहाँ से हो रही है? टी टू से हो रही है. और जा कहाँ पे रही है? टी थ्री पे जा रही है. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, वर्क डन डिवाइड बाई हीट सप्लाइड, वर्क डन इज क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी थ्री डिवाइड बाई हीट सप्लाई कहाँ से हो रही है? टी टू पॉइंट से हो रही है. तो यहाँ पे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? टी टू. हमने हीट के फॉर्म में नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे टेम्परेचर के फॉर्म में लिखा है. क्यों? क्योंकि हमें टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है. किसका रिलेशन निकालना है? टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है जब एफिशिएंसी दोनों इंजन की सेम हो. ठीक, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाई टी वन, तो क्या हो जाएगा, ये टी वन डिवाइड बाई टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू, ये क्या होगा, टी टू डिवाइड बाई टी टू माइनस टी थ्री डिवाइड बाई टी टू. ब्रेक कर दिया हमने, कुछ नहीं किया है. ठीक, टी वन से टी वन कैंसिल, टी टू से टी टू कैंसिल. बचेगा क्या, वन माइनस टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू वन माइनस टी थ्री बाई टी टू. अब आप एक चीज देखो, वन से वन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू टी थ्री बाई टी टू. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो टी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन इंटू टी थ्री. या फिर इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से लिखो तो टी टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी वन इंटू टी थ्री. ये रिलेशन निकल के आएगा टी वन टी टू और टी थ्री में, जब दो इंजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और दोनों इंजन की एफिशिएंसी क्या है, सेम है. ठीक, तो क्या करना है हमें, ये इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है. अगर ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और बोल देता है कि एफिशिएंसी सेम है, ठीक है, टी टू की वैल्यू दी है, टी वन की वैल्यू दी है और पूछ रहा है टी थ्री की वैल्यू बताइए, तो आराम से निकल जाएगा. या फिर बोल देगा टी वन और टी थ्री जो मतलब टॉप सोर्स है उसकी वैल्यू दी है, या और बॉटम सिंक जो सिंक है सबसे नीचे का सिंक है उसकी उसके टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, तो बोल देगा जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर मतलब दोनों के बीच का टेम्परेचर है टी टू, तो टी टू की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो टी टू की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट टी वन इंटू टी थ्री. ठीक, तो ये एक चीज हो गई. तो यहाँ पे आज हमने क्या देखा, हमने इरिवर्सिबिलिटी के बारे में देखा. इरिवर्सिबिलिटी मतलब अनअवेलेबल एनर्जी या फिर लॉस इन अवेलेबल एनर्जी, वो चीज हमने देख ली. उसके बाद हमने क्या देखा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा. एफिशिएंसी जब दो इंजन की सेम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा वो भी हमने देख लिया. और सेम भी किस केस में, जब एक दूसरे के साथ इंजन कनेक्टेड है, जब हीट इंजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो फिर यहाँ पे क्या टेम्परेचर का क्या रिलेशन आएगा वो हमने देख लिया है. ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.